हेलो एवरीवन, स्किल अप विथ एसके के साथ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ बनाएंगे। छोटा सा क्राफ्ट डेकोरेशन आइडिया, देखो किस तरह से बनाएंगे। तो मैं आज बना रही हूँ क्रिसमस ट्री डेकोरेशन आइडिया। छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, तो किस तरह से हम बग़ैर ब्रश के, बग़ैर कलर के, किस तरह से यानी ब्रश यूज़ के बिना काम करेंगे। तो हमारे लिए चंद ट्रीज के अपने बाग में क्रिसमस ट्री रहते हैं या कहीं से भी लेकर हम उसको डेकोरेट करेंगे वॉल हैंगिंग। तो देखो यहाँ मैंने वेस्ट मटेरियल में जो है पूरी चीज़ें लिए हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर कवर रहता है, उसके नीचे जो है डिज़ाइन रहता है। तो इसको कवर को हम क्या करेंगे, पानी लगा कर पेपर को निकालेंगे। उसके बाद हमें लाइनिंग शीट मिलेगा, तो पानी लगाकर आहिस्ता से पानी लगाएं और उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से हम इजीली उस पेपर को निकाल सकते हैं। कभी कभी ज़ोर से ऐसा खींचते हैं तो ये पेपर फट जाता है और लाइनिंग कट हो जाती है। ये लाइनिंग डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी लगती है। देखो इस तरह से अभी बच्चों को एक्टिविटीज़ दें, बच्चे शौक से इसको पूरा करते हैं और डेकोरेशन आइडिया भी बनता है, एक्टिविटीज़ भी होती है। देखो इस तरह से आहिस्ता से पेपर को कट करके निकालें। तो मैं पानी लगाने में ये बिल्कुल इजी से निकल आया। तो ये देखो जो नहीं निकलता पीस, उसके लिए कुछ नोकदार चीज़ें लेकर, जैसे कि पेंसिल या तो कहीं चीज़, जो भी किनारे के बॉर्डर्स बारीक रहते हैं उसे लेकर लाइनिंग में इस तरह डालेंगे तो ये पेपर आहिस्ता से निकल आता है। या फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो निकल आता है, लेकिन पानी ज़्यादा यूज़ न करें, पेपर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखो मैंने इसको निकाल लिया है। कार्डबोर्ड शीट फेंकना नहीं है, बहुत सारे डेकोरेशन के लिए काम आते हैं। तो मैं आपके सामने छोटा सा डेकोरेशन आइडिया किस तरह करना है बता रही हूँ। तो ये लाइनिंग को लंबाई में लेंगे इस तरह से डेकोरेशन के लिए, और उसको एक फ्लावर पॉट बनाने के लिए हम कट करेंगे। तो ये मार्किंग पहले डाल लें या पीछे से उसको मार्क करके लिए चलता है। तो इस तरह से उसको पॉट शेप में कट कर ले। सिंपल आइडिया। बच्चों के साथ कोई रहते हैं तो बड़े उनको कट करके दे सकते हैं। देखिए पॉट के डिज़ाइन में उसको हमने कट किया है। तो इसे फेविकोल की मदद से पेपर के ऊपर, पेपर मैंने पेपर नहीं लिया है, जो हमारे ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड्स में आते हैं ना, उसको लिया है मैंने। यहाँ यूज़ सॉफ्ट मटेरियल का ज़्यादा यूज़ किया है। तो जो शादी कार्ड होते हैं ज़रा थिक रहते हैं, मोटे रहते हैं, इस पर डेकोरेशन आइडिया अच्छा बनता है। ये वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं हम इससे, बहुत सारी चीज़ें के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फेविकोल मैंने लगाया है, जो ऊपरी हिस्से में फेविकोल नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ा ओपन रखा गया है उसको। इस तरह से पेपर, उसको डिज़ाइन पेपर कट जो किया गया था उसके ऊपर लगाया गया। ये ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, मैं ये पहले भी मैंने ये चैनल बनाया है लेकिन म्यूज़िक के साथ है, अब छुट्टियाँ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए मैंने ये वर्डिंग के साथ चैनल दोबारा बनाया है ये वीडियो। देखो मैंने कलर के लिए क्या किया है, मेरे पास जो है ब्रश थे, इसके बावजूद मैंने बच्चों के लिए तरीका बताया है कि स्पंज लेकर उसको कलर किया है। ब्रश से क्या होता है, ज़्यादा ब्रश पानी लगता है तो पेपर ख़राब होता है ये, क्योंकि पेपर ये नरम रहता है कार्डबोर्ड शीट। तो उसको मैंने स्पंज की मदद से कलर खींचा है। अब देखो ये ट्री जो मैंने लगाया था, इसको लगा कर देखें कि पेपर के साइज़ के मुताबिक बनता है या नहीं। तो हम उसको साइज़ लगा कर एक बार गम लगाने से पहले देख लेंगे, उसके बाद जो साइज़ बनता है उस साइज़ से इसको कट करेंगे। तो मैंने बताया कि फ्लावर पॉट का ऊपर का हिस्सा जो है ऊपर रखा था मैंने, वहाँ फेविकोल नहीं लगाया है। तो अब जो है उसमें थोड़ा हम इस छोटे छोटे पत्तों को अटैच करेंगे उसके अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो पॉट में से निकले हुए पौधे हैं। तो इस तरह से हम उसको डेकोरेशन करेंगे बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए। और मैंने बच्चों को लेकर ही किया है, बच्चों ने साथ दिया है, मैं उनसे बताते जाती हूँ और बच्चे करते जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के काम है, मेरे को किस तरह से अरेंज करना है। जैसे हमें डेकोरेशन के लिए सूटेबल लगते हैं पत्ते, इस तरह हम उसको लगाएंगे। दरमियान में कहीं कहीं उसको गम लगाएंगे तो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। फेविकोल का यूज़ करें, गम जो होता है
सादा गम नहीं लगाएं, बल्कि फेविकोल का यूज़ करें। तो इस तरह से ये डिज़ाइन, अब देखो मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या लगा रही हूँ। तो आपको पता चल गया कि थर्माकोल बॉल्स है, तो थर्माकोल बॉल्स को मैंने हाफ कट किया दरमियान से। ये बॉल लगाते हैं तो निकल जाते हैं जल्दी, फुल बॉल लगाएं तो ये हाफ कट करने से अच्छे रहे। तो बच्चों ने इसको अपने हाथों से सब लगाया है। एक क्लास वर्क था तो मैंने क्लास वर्क में काम किया है, बच्चों ने साथ दिया और सारे जो चिपकाने के काम है वो बच्चे ही कर रहे हैं। तो एक कोल से इसको बहुत लगा रहे हैं इस तरह से। कितनी आसानी से हमारा डेकोरेशन वर्क तैयार होता जा रहा है। ये वाल हैंगिंग है और इसके बाद में आखिर में जो है स्पंज की मदद से ही ब्रश न यूज करते हुए स्पंज की मदद से उसको बैकग्राउंड जो साइड का जो जमीनी हिस्सा रहता है यानी हमारे डेकोरेशन आइडिया के लिहाज से उसको हमने ब्लू कलर से इस तरह से स्पंज खींच लिया है। छोटे बच्चों के लिए है, बिल्कुल ईजी और आसानी से एक्टिविटीज होती है घर में। आप भी बच्चों को ऐसे वर्क देकर बच्चों को काम के लिए बैठाएं, बच्चे आराम से इजीली काम करते हैं। किस तरह से करना है ये लाइनिंग आड़ी तीड़ी लंबी खींचने से थोड़ा उसमें डेकोरेशन आइडिया बनता है। तो देखिए इस तरह से मेरा वर्क तैयार है। आप मेरा चैनल देखने के लिए बहुत ही थैंक्स। आप करें और कमेंट्स भी करें, शेयर एंड लाइक करें, अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए बिठाएं और उनके साथ देकर उनके साथ इसी तरह कार्डबोर्ड शीट लेकर अलग अलग तरीके से डेकोरेशन आइडिया बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।